Así que... आखिरकार मुहूर्त निकल ही गया, हो गई बालों की छटाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। काफ़ी दिनों से ये मुहूर्त निकालने की कोशिश की जा रही थी, कई बार बातचीत भी हुई सभी से, और आखिरकार ये मुहूर्त आ गया। और जब ये मुहूर्त निकला तो फिर मैं चला अपने बालों की आहुति देने के लिए। तो भाई, इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। तो अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़बरदस्त अपडेट आते रहते हैं भाई। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें भाई साहब कि आप भी सावधान रहिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको वीडियो में आगे दिखने वाली है ना, बस सिर्फ थंबनेल में क्लियर नहीं हो रही है, अंदर जाकर उसको फील करना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज पटना का मौसम जो है ना, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, पता नहीं बारिश होगी, शायद हो सकती है। तो अभी हम लोग हैं बॉलीवुड ट्रीट। इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, आपकी भी शायद जुड़ी होंगी, मेरी तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं अभी। और अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं, तो फाइनली वी रीच मौर्या होटल, और यहीं पर आगे है अपना, जहाँ पर देनी है बालों की आहुति। आज आहुति दे देनी है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि अपने बालों की आहुति आप कब देने वाले, तो फिर आज देनी है भाई। और ये बहुत अच्छा प्रिकॉशन है यार, हर चीज़ फॉलो हो रहा है मौर्या होटल में, बहुत सावधानी बरती जा रही है। और जावेद साहब, पिछली बार तो आपके यहाँ आ ही नहीं पाया था, फाइनली। हेलो, थैंक यू। सो फाइनली वी रीच जावेद हबीब, मौर्या होटल वाला, और यहाँ पर अभी हेयर कट लेना है। आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे ना कि आप बालों की आहुति कब देने जा रहे हो, तो आ गया टाइम। बहुत ज़बरदस्त भाई प्रिकॉशन लिया जा रहा है यहाँ पर। आप अंदर आएंगे, सबसे पहले आपको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही आप हेयर कट ले सकते हैं। ये जो भैया है ना, ये अभी करेंगे पीपीई किट पहन करके पूरा। ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ। अभी क्या है ना, सैनिटाइजेशन पूरा चल रहा है, हर चीज का। अभी बीच पड़ाव में है, आहुति दी जा रही है बालों की, अभी चल रहा है अभी कार्यक्रम। थोड़ा थोड़ा हम लोग लास्ट में ना कर देते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा इंसान की तरह लग रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए थे, अब पता नहीं कैसे लग रहे, बट मेरे को अंदर से अच्छा लग रहा है अभी। और एक्चुअल में यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी ना, कि जिस तरह से पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है ना हर चीज़ को, कंघी, कैंची, ट्रिमर, और जब मैं उठा तो इसको भी सैनिटाइज किया गया भाई, ये जिसमें मैं बैठा हुआ था। तो ये बहुत अच्छी, बीच में मैं थोड़ा सा मास्क उतारा था, क्योंकि मास्क पहनने के बाद हो क्या रहा था कि उसमें हेयर कट होने के बाद वो नीचे जा रहे थे, तो फाइनली अभी हो चुका है। सैनिटाइजर बॉक्स है, इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं हम, कॉम, सीजर, रेजर, सारे चीज। इसको हम कम से कम 90 मिनट हम फर्स्ट टाइम रखते हैं, तीन टाइम हम रखते हैं, बराबर एनी टाइम ऑन रहता है, सैनिटाइज होते रहता है। इसका टाइमिंग सेट है 90 मिनट, कम से कम 30 मिनट तक भी रखते हैं, तो हम लोग डेढ़ घंटा चालू रखते हैं, काम हम लोग भी चालू ही रहता है। यूवी स्टरलाइजर है ना ये? जी, अच्छा,
तो हर एक एपरेटस जो यूज होता है ना हेयर कटिंग में, शेविंग में, उन सभी चीज़ों को स्टरलाइज किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो उस पर बैक्टीरियाज और जो वायरसेस होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फाइनली अभी हो गया है हेयर कट और अभी हम निकल रहे हैं घर। भाई बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अब आपसे मिलेंगे सीधे घर ही पर चल के। तो भाई जावेद साहब के सलून में साइंटिस्ट लेबोरेटरीज, अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पर जाने के बाद जब वो पीपी किट पहन करके वो बंदा निकला ना, कसम से भाई मैं तो अंदर से डर गया कि पता नहीं, अगर मुझे लग रहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं भी हूँगा ना, तो उसे देख करके ऐसा फील हो जा रहा था कि मैं कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हूँ। लेकिन ये प्रिकॉशन ली जा रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रिकॉशन ली जानी चाहिए। एक और चीज़ कहना था कि भाई साहब मैंने जो पिछले वाला वीडियो में ये सवाल उठाया था कि क्या मुझे बिहार में और अलग अलग जगहों पर जाना चाहिए, तो सबका जवाब आ गया है कि हाँ मुझे जाना चाहिए और सबने लोकेशन भी बताई है भाई। तो सीरियसली आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअल में क्या होता है ना कि डरता है इंसान, डरता, डर अंदर है भाई, डर है कि पता नहीं आप लोग कहीं छूट ना जाए, और इसी डर की वजह से सोचा कि पहले पूछ लेते हैं और पूछने के बाद तभी कोई काम में शुरुआत करेंगे। वो होता है ना कि परिवार वालों से पहले मशवरा लीजिए और उसके बाद कोई काम को शुरू करिए। तो आप हैं परिवार, आप हैं फैमिली, और हमने ये बहुत मेहनत से फैमिली बनाई है, बहुत प्यार बांटा है, खुशियाँ, स्माइल स्माइल बांटी है हमने। और उसके बाद अब जो है कि इस फैमिली जब बड़ी हो रही है तो भाई इससे मशवरा तो और भी ज़्यादा बनता है। तो फिर आप लोगों ने ये मशवरा दिया, सीरियसली इधर को टच किया भाई को, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना कि जब आपके इस तरह कमेंट्स आते हैं। तो खास करके उन लोगों के लिए जो लोग पटना के हैं, बिहार के हैं और बिहार से बाहर रहते हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से, या फिर अभी लॉकडाउन में फंस गए हैं, जब वो लोग कहते हैं ना कि सीरियसली साहब भाई आपने जो है ना याद दिला दी पटना की, तो कसम से मैं, बस आप ये समझिए कि नज़रें मेरी हैं, दिल आपका है जो मेरे पास है, तो बस समझ लीजिए कि आप ही घूम रहे हैं, बस मैं तो एक ज़रिया हूँ आपको घुमाने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलता है आपका भाई साहब नेक्स्ट व्लॉग में, धन्यवाद।